Hi. Yes. Yes. बहुत अच्छा फील हो रहा है. फर्स्ट टाइम है जागरण फिल्म फेस्टिवल में और जो JFF है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बाय जागरण ग्रुप फॉर द ग्रेट कंटेंट फिल्म्स. जो ग्रेट कंटेंट फिल्म्स है उसको ऑडियंसेस तक किस तरीके से पहुंचाना है एंड यू नो इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल एंड इट्स देयर वी आर सेलिब्रेटिंग 10 ईयर्स ऑफ जागरण फिल्म फेस्टिवल. सो या इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. जी फिल्म बड़ी छोटे होने से कुछ नहीं होता. आई थिंक कॉन्टेंट इज वॉट रियली मैटर्स. सो या दैट्स द एंटायर थिंग. हाँ यस. हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिजली की तार के लिए बिकॉज इट्स ऑन ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड. काफ़ी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं. सो एम रियली हैप्पी. पागलपंती यस पागलपंती इज़ ऑल्सो कमिंग अप. 22 नवंबर को रिलीज़ होने जा रही है और yeah, great fun with John Abraham, Anil Kapoor, so the entire team actually. Anees was me, so especially. जी अभी हमारा एक final promotional song जो by Pritam होगा वो हम shoot करने वाले हैं और हमारा trailer बहुत जल्द October में release होने वाला है. कुछ ही दिन बचे हैं trailer release होने के लिए. So I'm really excited. Yeah, thank you. Thank you. Chala jaa. हेलो नमस्ते. वेल फॉर स्टार्टर्स आई मस्ट कंग्रेचुलेट. इट्स योर 10th ईयर. मैं यहाँ आई थी 5 साल पहले जब मेरी पहली फिल्म दम लगा के हईशा रिलीज़ हुई थी एंड जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाई भी गई थी और वहाँ से मेरी एसोसिएशन जागरण के साथ शुरू हुई है. एंड आई फील वेरी प्राउड दैट पैन इंडिया एक इतना सक्सेसफुल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है. आप इतनी फैंटास्टिक फिल्में दिखाते हैं, आप इतने अमेजिंग कॉन्वर्जेशन करते हैं, इतने अच्छे से टैलेंट को सेलिब्रेट करते हैं. सो आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट जागरण एंड यर्स विशिंग यू वेरी मैनी मैनी ईयर्स अहेड. I think it's always good to be appreciated for your work. We all work very hard on our films. We are constantly trying to break barriers, change the language of cinema, try and evolve our talent and the films that we do with changing times. So yeah, it's good to be appreciated. And already wishing all the winners good luck and congratulations.
This is the difficult part. I'll brief you, sir. So Jagran Film Festival, sir, 18 shahron mein jata hai Hindustan mein. 18 shahron mein. India ke. Ji, India ke. Lucknow, Kanpur, Hisar, Jalandhar, Gorakhpur. Wo sab yaad nahi rahega. No problem. Aapko bol rahi hu. Aur ye hamara 10th saal hai, sir. 10th year of the festival. Aur is baar humne socha icon of the cinema hai aap, to hum aapko chhota sa tohfa nawazish kijiyega. Main mujhe kya bolna hai? Aap Jagran Film Festival ke bare mein boliye ki wo aapse sawal puchhenge hi nahi. Icon of the cinema, Jagran Film Festival आपको दे रहा है award, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी मैं honestly बात करूँगा, मैं राजीव मोहसिन का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यूज लोगों के देखे, मैंने 55 साल से इसी लाइन में हूँ, but His interviews are the most interesting and most refreshing. और जब उन्होंने मुझे कहा कि इस फेस्टिवल में आकर I have to be what I feel very shy to say that like an icon. I don't think I deserve it, but I'm very very thankful and very grateful for this great honor. Thank you. नहीं नहीं चाहे इस फेस्टिवल से आए और कहीं और से आए न्यू कमर्स तो आते ही रहेंगे दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स पुराना जाता रहता है नया आता रहता है और नए को प्लेटफॉर्म हमेशा मिलना चाहिए इसलिए ये फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट है इट गिव्स अ गुड प्लेटफॉर्म गुड प्रोजेक्शन एंड थिंग्स वर्कआउट फॉर यंगस्टर्स हु आर थ्राइविंग टू अचीव समथिंग थैंक यू हेलो सर सर मेरा नाम
हाँ बोलो, मेरा नाम अच्छा जादू दिखाओगे? दिखाओ, आपकी पत्नी भी बुलाई, हम उनको भी जादू दिखाएंगे। आ जाओ, देखो इस तरह बताइए, ये प्लेइंग कार्ड्स है सब अलग अलग, राइट? आप इसको मिक्स करके एक कार्ड को भी चूज कर दीजिए। ये मैं पहले करता था लेकिन भूल गया। मैं इंडिया से चैलेंज हूँ, बिना तो रिस्क नहीं। एक कार्ड को भी ले लीजिए, ये दिखाइए, इनको दिखा दीजिए। अब एक्चुअली मैं मार्कर दूंगा, मार्कर से साइन भी कर दीजिए, कार्ड आपका मतलब एक ही कार्ड है, राइट? दुनिया में एक ही कार्ड है, राइट? ये कार्ड आपने चूज किया, अधिकार मुझे दे दीजिए, मैं कितना भी अंदर इसके अंदर मिडल में डाल दूँगा। अब आप हाथ, आपका हाथ नहीं, उसे हाथ रखिए इसके ऊपर, आप भी अपना हाथ रखिए और एक नीचे हाथ रखिए, ठीक है? अब शादी में सो शादी एक प्रूफ होता है, एक लाइफ का, एक न्यू बिगनिंग का। हम एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे करेंगे, मैं अपना कार्ड निकालने की कोशिश करूँगा ढूंढने की। ये था, ठीक है, एक और ट्राई। एक्चुअली क्या करूँगा, पूरा डेक आपके हाथ से गायब हो जाएगा, ठीक है? और आपका कार्ड और एक न्यू बिगिनिंग आपके हाथ में होगी। एक सभी अच्छा था। हाँ कुछ बोलना है? मैं जागरण से पुराना नाता है, मैं बनारस और इलाहाबाद गया था अनारकली और पारा के साथ में, गुड़गांव के साथ में गया था मैं अपना देहरादून, तो पुराना नाता है। बहुत सारे दोस्त हैं जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं, मेरी फिल्में भी 3-4 दिखाई गई हैं जी। नहीं, आने वाली फिल्म्स के बारे में नहीं बताएंगे, बस शुक्रिया इस प्यार और सम्मान के लिए। थैंक यू, आ जाओ आ जाओ। नहीं, मैं सिर्फ जागरण को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक जो रेवोल्यूशन की तरह से उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की है, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल ज़्यादातर होते हैं वो एक पर्टिकुलर सिटी तक ही बेस्ड रहते हैं, चाहे हमारा वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो वो गोवा में होता है, या और फिल्म फेस्टिवल हैं बॉम्बे में होते हैं, लेकिन जागरण फिल्म फेस्टिवल इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जो अलग तरह के सिनेमा को, ऐसे सिनेमा को जो शायद नॉर्मल थिएटर्स में रिलीज़ नहीं होता है, एंड जागरण टेक्स दोस काइंड ऑफ फिल्म्स टू सिटीज़ लाइक गोरखपुर, सिटीज़ लाइक रांची, कानपुर, यू नो मेरठ, इस तरह के शहरों में जो लोग हैं, जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जो एक्सपोजर वहाँ नहीं मिल पाता, वो जागरण एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं सही मायने में कहूँ तो जागरण जो है सही तरीके से सिनेमा की सेवा कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि जागरण ने जो एक मुहिम चलाई है कि ऐसे शहरों तक, छोटे शहरों तक ऐसी फिल्में लेकर जाना जो थिएटर में रिलीज़ नहीं होती, जो शायद उन उस जो नए कलाकार हैं, नए फिल्म मेकर्स हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा, तो जागरण वो मौका लेकर आ रहा है, वो ऐसी फिल्में देखें, अपना विजन बढ़ाएँ, एक्सपोजर उनको होता है अलग तरह की सिनेमा का, और फिर अगर वो इस करियर में, इस प्रोफेशन में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये ज़रूर मदद करेगा। मैंने कहा ना कि जागरण जो है वो सिनेमा की सेवा कर रहा है।
اب جڑنا تو مطلب کیا ہے, اخبار ایسا ہے جس سے ہم ہمیشہ سے جڑے رہے ہیں, اور آئی تھنک اسی کے ناطے شاید اس فیسٹیول سے بھی جڑتے رہے, اور ایک کلاکار ہونے کے ناطے یہ اپرچونیٹی ملی. اس سال میں گورکھپور بھی گیا تھا جاگرن فلم فیسٹیول کو اٹینڈ کرنے کے لیے, تو بہت مزہ آیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے یہ جڑتا رہے گا اور اسٹرانگ ہوگا. تھینک یو سو مچ. کہاں؟ اوکے. یس 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 یس. نمسکار دوستوں, ارے مجھ سے کوئی پوچھ لو, نہیں تو میں بنا پوچھے بھاگ جاؤں گا, بنا بتائے چلا جاؤں گا. میں نہیں, ایسے ایسے امپرووائز مت کرو, اس کو بلاؤ. کون تھا, کہاں گیا؟ آؤ نا, تمہارا انتظار ہو رہا ہے. جاگرن فلم فیسٹیول میں میرا یہ لگاتار تیسرا سال ہے, میں اس میں ہمیشہ شرکت کرتا ہوں. اس سال میری فلم بھی اس میں دکھائی گئی ہے, نقاش, اور مجھے بڑی خوشی ہے, اور میں اس کے لیے جاگرن فلم فیسٹیول کا شکر گزار ہوں کہ وہ فلم جب ریلیز ہوئی تھی تو ان شہروں میں پہنچی ہی نہیں تھی, کیونکہ بہت لمیٹڈ اسکرینس پہ ریلیز کی گئی تھی. تو جاگرن فلم فیسٹیول کے مادھیم سے وہ 18 شہروں میں اور گھومی, تو زیادہ سے زیادہ آڈینس ملی اس کو, زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا. تو میں اس فیسٹیول کی خوبی یہی مانتا ہوں کہ ایک ٹریولنگ فیسٹیول ہے, اور ان جگہوں پہ پہنچ رہا ہے جہاں فلم فیسٹیول کا نام بھی شاید لوگوں نے کبھی نہیں سنا تھا. نیو کمرز کے لیے, میں خود ایک نیو کمر ہوں, حالانکہ اس نیو کمر کو 28 سال ہو گئے, مجھے بھی ابھی نیو کمر ہوں پھر بھی میرا صرف اتنا ہی کہنا چاہے گا میرا صرف اتنا ہی کہنا ہوگا کہ ہم کو لگے رہنا بہت ضروری ہے. کئی بار ہم لوگ ایک دم 11th دروازے سے واپس آ جاتے ہیں, یہ کیونکہ ہم ٹاپ اینگل سے تو دیکھ نہیں رہے, ہم کو نہیں پتا کہ بار بار شاید کھل جائے گا. تو اس لیے مطلب کہیں سے بھی ہمت ہار کے واپس نہیں آنا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ اور آگے بڑھتے رہنا بہت ضروری ہے. موسٹ ویلکم. تھینک یو. دیکھیے, جاگرن فلم فیسٹیول جو ہے وہ یہ ٹریولنگ فیسٹیول ہے, الگ الگ سٹیز میں ہوتا ہے. تو میں تو پہلی بار آیا ہوں جاگرن فلم فیسٹیول میں, اور راجیو جی اور سمیتا جی جو ہیں انہوں نے انوائٹ کیا تھا زویا جی کو اوارڈ دینے کے لیے, تو میں اس لیے آیا. جی دیکھیے, جاگرن فیسٹیول میں جو جیتا وہی سکندر جو میری فلم تھی, اس کو بھی فیسٹیول کے ٹائم بلایا تھا, اور راجیو جی نے سب جو کرو تھے, ڈائریکٹرز تھے, ایکٹرز تھے, ان سب کا ایک انٹریکشن لیا تھا ہمارے ساتھ. تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا تھا, مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا ایک ٹرینڈ ہے. جو 25 سال پرانی پکچریں ہوتی ہیں
उनको ये बुला के इंटरेक्ट करते हैं कि उस टाइम बनाने के टाइम क्या हुआ, अलग अलग किस्से निकलते हैं, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। और ये अवार्ड भी बहुत ही जेन्युइन और बहुत अच्छा है, द ज्यूरी इज़ वेरी टाइट एंड वेरी एफिशिएंट, सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल गो अहेड। न्यू कमर्स के लिए यही देखिए, आजकल तो फिल्में ही बड़ी नई किस्म की बन रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और जागरण जो अवार्ड है ये उन फिल्मों को इनक्रेज करता है, तो और इन फिल्मों ये जैसे गली बॉय इस साल अवार्ड मिला है जोया अख्तर को, हाँ और हाँ न्यू कमर्स को प्रोत्साहन देते हैं, ना कि सिर्फ बड़े बड़े स्टार जो कि अवार्ड के आदि हो जाते हैं, मगर उन एक्टर्स को जो जिन्होंने जेन्युइनली स्टैंड आउट काम किया है अपने करियर में अभी इस वक्त और अच्छी फिल्मों को, सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अभी पिक्चर आने वाली है मोहब्बत है क्या चीज़, और एक जावेद अख्तर साहब के साथ मैंने एक चिल्ड्रन फिल्म की है पंपापुर की रामलीला, बच्चों की पिक्चर है वो, और भी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें आ रही है, म्यूज़िक अच्छा आ रहा है। नहीं, जागरण फिल्म फेस्टिवल मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग अच्छी अच्छी फिल्मों को और इंडिपेंडेंट फिल्मों को अलग अलग गांव देहात स्मॉल टाउन में लेके जाते हैं, इसलिए मुझे जो है जागरण फिल्म फेस्टिवल ये कमाल का लगता है। इसलिए जागरण फिल्म फेस्टिवल का सही के साथ में जो मेरा रिश्ता है इसलिए बहुत बहुत पुराना है, और अब मैं हमेशा इनको सहयोग करता रहूँगा, क्योंकि जो अच्छी फिल्में होती जो रिलीज़ नहीं हो पाती हैं या किसी वजह से जो फेस्टिवल की फिल्में होती हैं इनको ये छोटी छोटी जगहों पर जाकर के उसको उसके दर्शक को खोजने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी, नहीं इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जागरण फिल्म फेस्टिवल के कारण छोटी फिल्में छोटी छोटी जगहों पर जाती हैं, वो वहाँ पे अपने दर्शकों को खोजती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी फिल्में छोटी जगहों पर जा नहीं पाती हैं और जागरण फिल्म फेस्टिवल के कारण सारे देश में घूमती हैं, तो इसलिए जागरण को जागरण फिल्म फेस्टिवल को मेरा पूरा सहयोग है। द फैमिली मैन के साथ में जो हो रहा है, हमें पता था कि ये बहुत अच्छा सीरीज़ बना है, हमें पता था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें पता है कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी या राइटर्स ने बहुत अच्छी कहानी लिखी, सुमित अरोड़ा और सुमन कुमार ने, सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम ये कॉन्फिडेंट थे कि अच्छा करेगा, लेकिन जिस तरीके से इसने शोर मचाया है, जिस तरीके से ये इतना बड़ा हो गया है, इसकी उम्मीद नहीं थी। आज की तारीख में लगता है जैसे कि पूरा हिंदुस्तान सिर्फ फैमिली मैन ही देख रहा है, तो सबको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा थैंक यू वेरी मच, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, वी ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट दे नो पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट, बट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज मतलब जिसे कहें कि अकल्पनीय, और इसके लिए मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मतलब बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं और कुछ एक रिएक्शन मतलब ऐसे हैं कि जो आप बोल नहीं पाते हैं, मतलब शर्मिंदा होते हैं कि उसको बोलते हुए, तो मैं बोल नहीं पाऊँगा उसको, इतनी तारीफ़ें शायद दिमाग ख़राब हो जाएगा ऐसा हो रहा है, लेकिन आप फैमिली मैन देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू वेरी मच।
मेरा रिश्ता दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हो, जब आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप फिल्म रिलीज़ करते हो, तो जागरण ग्रुप और जागरण जो दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम न्यूज़पेपर है नॉर्थ इंडिया में। और दैनिक जागरण फेस्टिवल, क्योंकि उदिता, राजीव, असीम छाबरा, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने क्यूरेट किया, उनकी स्पेशल फिल्म वो लोग ला रहे हैं। और जागरण फेस्टिवल इटसेल्फ इतना स्पेशल है क्योंकि वो सारे छोटे छोटे शहर पे तक पहुँचते हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ बड़े शहरों में फेस्टिवल्स यूजली चलाया जाता है, और जागरण छोटे छोटे शहरों में लेके जा रही है। ये बहुत ही स्पेशल फिल्म, तो उनका बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जी देखिए, मैं अगर लोग मेरे फिल्म के बारे में जानते हैं, वो तो ये जानते हैं कि मेरे सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स बन जाते हैं, मेरे सारे जो असिस्टेंट्स या तो एक्टर बन जाते हैं, अर्जुन कपूर हो, रणबीर कपूर हो, और माई असिस्टेंट्स हैव बिकम। तो मैं यंगस्टर्स और टेक्नीशियंस और एक्टर्स को बहुत ही अहम बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ कि उनको आगे बढ़ावा दे, और जागरण वही कर रहा है, तो मेरे लिए वो फिट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो भी कहेगा मरजावा के बारे में वो मिलाप जवेरी कहेंगे, क्योंकि मिलाप फिल्म के राइटर है, डायरेक्टर है, उनके पास वो धासु डायलॉग्स है जिस तरह से वो कहते हैं। 8 नवंबर को रिलीज़ हो रही है फिल्म, बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि मिलाप एक्चुअली सत्यमेव जयते के पहले उन्होंने ये फिल्म हमारे पास लेके आए थे। हमने उस टाइम पे हमने कहा था कि बहुत ही एक्सपेंसिव फिल्म है ये, आप बना नहीं सकते हो, तो हमने सत्यमेव जयते पहले बनाई थी। तो हम चाहते हैं कि लोग आए, म्यूज़िक बहुत ही कमाल का है, टी सीरीज़ और भूषण जी ने बहुत ही कमाल का म्यूज़िक दिया है फिल्म, जो अभी 2 तारीख को रिलीज़ हो रही होगी म्यूज़िक, फिर उसके बाद होगा। बहुत मेहनत की है फिल्म में, तो और रितेश देशमुख बहुत ही कमाल का रोल निभा रहे हैं उसमें। सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग शुरू होगी इस साल के एंड में, और वो रिलीज़ हो रही है 2 अक्टूबर अगले साल। जी, आई वुड रियली लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर रोयना फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल पार्ट एंड ऑफ रत्ना, and I want to really thank my co-actor and my partner in crime Vivek Gombar, jo yahan hai nahi, but without him my performance would have not happened, and without him I wouldn't have won. So a big big thank you to Jagran for giving me my first award in India, and a big 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 congratulations to my whole team of Sir, my director, my producer, my wonderful co-actors Gitanjali Kulkarni and so many others. So thank you so much. Thank you. Well, I want to say that, you know, I have had a career for 2 decades doing films that are not backed by huge studios. So to have a film festival that lets your film travel to, like, to the very capillaries and small cities of India, it's really the most reassuring and most magnificent thing, because my film has, none of my films have had that kind of journey. So I'm really, really, and I also feel Jagran's being a traveling festival and awarding a projectionist today and giving a child actor the best male actor, I think Jagran has taken a step which not too many other film festivals have. And I'm really happy that both my films, Sir and Chintu Ka Birthday, were in this festival and won here. Absolutely, absolutely. First award in India, yes. Yes, I won outside the country but not here, so it's a huge acceptance. And well, it may take you really long to win something, but I think if you really love what you do, then be at it, and just be at it, and
you know, love yourself because it's hard. And I really wish you all the very best. Thank you. वो लाइट है ना थोड़ा पीछे हो।